दोस्तों, वैसे तो आरपीएफ को रेलवे में मौजूद जो अंदर यात्री होते हैं उनकी सुरक्षा या फिर स्टेशन वाले या लोगों की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब यही लोग खुद ही मारने पे उतारू हो जाए, तैनात हो जाए, तो फिर कौन बचाएगा यात्रियों को। दरअसल ऐसा ही एक घटना सामने आ रही है। मुंबई जयपुर वाली ट्रेन में बीचों बीच ट्रेन चल रही थी, बातें हो रही थी, आरपीएफ का कर्मचारी बात कर रहा था और बात कम्युनलिज्म की हो रही है। दरअसल बात हो रही है कि कुछ वाद विवाद हो रहा था, पॉलिटिकल इशू से बात हो रही थी। सडनली एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फायरिंग करने के बाद, फायरिंग तो उन्होंने कर दी, मार दिया एक कलीग अपने को और 3 पैसेंजर्स को, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द बोले कि योगी मोदी को वोट करके रहना है तो इस देश में रहो, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। तो मतलब कि एक पॉलिटिकल अपना व्यू दे रहे थे, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसके बाद उन्हें डेड बॉडीज़ को, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर लाया गया, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह नाम बताया जा रहा है, और चेतन सिंह की भी अपनी एक कहानी है। इस बीच एक कहानी है, ये जो मिस्ट्री हुई, एक कहानी है चेतन सिंह की खुद की, क्योंकि चेतन सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक सताए हुए पुलिस कर्मचारी थे, आरपीएफ के कर्मचारी थे, जिन्होंने अपने ऑफिस का जो माहौल था उन्हें पसंद नहीं आया था। साथी कर्मचारी उनके उनको तंग करते थे, सताते थे, हैरस करते थे, बुली करते थे, कह सकते हैं आप। अब बुली का मैं सता सा कोट नहीं कर रहा इसको, बट ये सुनने में आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड ये चीज़ हो रही है, ये बता रहे हैं, और ऊपर से ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र की बात करी थी, ट्रांसफ़र की अर्जी डाली थी, ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा था। तो इसी तरह से कुछ खबर आ रही है, और इसी के चलते मेंटली अनस्टेबल थे वो, और उसी चक्कर में उन्होंने ऐसी एक घटना कर दी। और मानने में ज़्यादा कुछ झिझक हो नहीं रही है, बिकॉज ऐसा ही कोई इंसान इतना दर्दनाक हादसा कर सकता है एक चलती ट्रेन में, और ख़ासतौर से जब आप एक सरकारी कर्मचारी हो, खुद एक रक्षक हो, तो वो आप भक्षक बन जाए, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दाल में डाला है, और यही देखने को मिला है। आपका क्या राय है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे मामले के बारे में, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ट्यून टू तरुण, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और इसी तरह से मैं अगले खबरों के साथ आपके सामने पेश होता रहूँगा।